पे क्या होगा? तो एल एन जीरो पे ऑब्वियसली जीरो से वन पर आपके पास वैल्यू नेगेटिव साइड पे मूव कर रही थी, तो एल एन जीरो एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी होगा नेगेटिव साइड पे मूव करने की वजह से, और एल एन इन्फिनिटी प्लस साइड पे मूव करने की वजह से वो इन्फिनिटी होता है। सही है। नाउ अगर हम आगे बात करते हैं, अभी तुम लोगों से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, तो एल एन ऑफ आयोटा क्या होगा? अब मैं इसको एक्चुअली एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा जिक्र करता हूँ आर्गन डायग्राम का। आर्गन डायग्राम क्या कहती थी, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉटिंग के ऊपर थी, जहाँ हमारा लास्ट का लेक्चर जो था कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें हम बात कर रहे थे आर्गन डायग्राम्स के ऊपर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉटिंग के अंदर अगर आप नोट करो, आयोटा को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते थे और रियल नंबर्स को हम यहाँ प्लॉट करते थे। जो रियल पार्ट्स थे, जो रियल नंबर्स थे, हम उनको यहाँ प्लॉट करते थे। जो इमेजिनरी थे, हम उनको यहाँ प्लॉट करते थे। मतलब मैं आपसे कहूँ, अगर 3 + 5 आयोटा को प्लॉट करना है तो आप इसके अंदर प्लॉट करते थे। एक्स एक्सिस पे आप बोलते थे 3 है और वाई एक्सिस पे 5 है प्लस, तो आप प्लॉट कर देते 3, 5 को। सही है। तो इसी तरह से अगर आपसे कोई कहे एल एन आयोटा, एल एन आयोटा का एक्चुअल मतलब क्या है, 0 + आयोटा 0 + 1, तो 0 x-axis पे और y एक्सिस पे आयोटा मतलब 1, इमेजिनरी आयोटा है ना 1, तो 0 और 1 ये आ गया। सही है। अब यहाँ प्लॉट कर रहे हो 0 से 1, तो 0 से 1 पे एक्चुअली मूवमेंट क्या हुई है, 90 डिग्री। तो एल एन ऑफ आयोटा एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट, 5/2। वैल्यू तो है, आउटपुट क्या है, एल एन ऑफ आयोटा की वैल्यू तो है लॉगरिथम की, जो उसकी वैल्यू आ रही है, आउटपुट आ रहा है एल एन ऑफ आयोटा का, वो बेसिकली क्या है, यहाँ से आधा की वैल्यू तो आ रही है जो उसको कवर्ड कर रही है। नाउ ये मैंने कहा ना कॉम्प्लेक्स रीजन के ऊपर प्लॉटिंग के ऊपर बात होती है, जैसे आपको अभी मैं बोल रहा था साइन आयोटा साइन स्क्वायर आयोटा प्लस कॉस स्क्वायर आयोटा इज इक्वल टू 1 है, तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो है ना वो 1 नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर आयोटा वाली टर्म्स पे है तो आप इन्फिनिटी पे डाल दोगे इसको, इन्फिनिटी है, ऐसे प्लॉटिंग नहीं हो सकती है। सही है। मतलब बहुत सारी टर्म्स हैं जिसको आपको ग्राफ पे जब आप चेक करते हो तो उनकी वैल्यूज जो होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं। मतलब मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पे कहूँ, ये सवाल दाऊद के अंदर पूछा हुआ था, बड़ा जबरदस्त सवाल था, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। और वो सवाल ये था, मतलब मैं सवाल को पहले टाइम में मैंने खुद ने भी इसको गलत पिक करा था, तो मैं तो थोड़ा सा सही तरह से बना के दिखाऊं, एक सर्किल 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 का रेडियस R1 दूसरे सर्किल का रेडियस R2 टाइप का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला आपको याद नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, ये मैंने हिंट दे दी, पेपर में नहीं मिलेगी। अब बताओ कैसे निकालेंगे। शेडेड रीजन,
आर टू माइनस जो अनस कह रहे हैं, अनस कह रहे हैं भाई कैसे करना है बताइए। पाई और आर टू माइनस आर वन, फाइव माइनस टू का स्क्वायर और पांच में से दो हो गए, कितना हो गया तीन का स्क्वायर, नौ, नाइन पाई यूनिट्स स्क्वायर। यकीन करें ये ऑप्शन था उसके अंदर, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। पता था ना पहले से कैसे याद रखना, कभी भी अगर आपने रेडियसेस को माइनस कर दिया ना, तो एक्चुअली आपने रेडियस ये निकाल लिया, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस, सही है, वो डिस्टेंस रेडियस नहीं रहेगा, वो डिस्टेंस है बट रेडियस नहीं है। आप करोगे क्या, पहले आउटर सर्किल का एरिया निकालोगे टोटल, फिर इनर सर्किल का एरिया निकालोगे, फिर एरियाज को माइनस करोगे। ये सवाल मैं आपको देख लो प्रोस्पेक्टस के अंदर भी लिखा हुआ शायद अब हो, मिल जाएगा आपको, दाऊद के प्रोस्पेक्टस में भी अक्सर डाल देते हैं ताकि बच्चे को थोड़ा आइडिया हो। मतलब आप पहले निकालोगे टोटल एरिया का निकालना, इसको वॉशर्स और मेथड कहलाता है, डिशर्स और वॉशर्स मेथड कहलाता है, यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर कोर्स है जो। पाई आर स्क्वायर, पाई बड़ा एरिया को आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर, ठीक है, जो भी एरिया आ जाएगा आप उसको इस तरह से पहले एरिया निकाल के माइनस करने की कोशिश करोगे। मतलब मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, सही है, समझ गया ना पॉइंट को। मतलब आप पहले इसका एरिया जो है ना वो निकालोगे आउटर का, फिर इनर का, इन दोनों को माइनस करोगे, उससे जो एरिया आएगा वो आप कैलकुलेट करोगे, सही है, सही है। आज मैं यहीं तक ही रखता हूँ इसको, और क्योंकि मैंने ग्राफ ऑफ अ फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री पे था, थोड़ा सा अलजेब्रिक भी बताया आप लोगों को, और उसके बाद ये छोटा टॉपिक था। अब ये कि ईद के बाद इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे आप लोगों की क्लासेस को, ईद के बाद रिज्यूम होगी। हाँ, आप लोगों के कोर्सेज में ये ईद के चौथे दिन, हम लोग तीसरे दिन कोशिश करूंगा, आप लोग अगर ले लो इशू कर लो, या चौथे दिन इशू कर दो, कर दूंगा, तो कोर्सेज आप लोगों के इशू हो जाएंगे, आप उस वक्त ले लो, चौथे दिन ऑफिस खुलेगा तो वहां से ले लो। अभी बनने के लिए दिए, ईद के बाद ही अब मिलेंगे, इंग्लिश की बीच में क्लास है हाँ हफ्ते को, तो ले लेना। केमिस्ट्री का मैं बता दूंगा होती है कि नहीं होती है, अभी सर का पता नहीं, अभी इतकाफ में ना बैठे हो, हर साल बैठते, तो ये कि आप जो है वो इंग्लिश की क्लास तो होगी, वो एक क्लास है नहीं, मेरी क्लास से ज्यादा वाइंड अप हो रही है, अभी ईद के बाद ही होंगी, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे क्योंकि ईद है, सही है, थर्सडे को मेरी क्लास होगी, थर्सडे को मैथ्स की क्लास होगी इंशाल्लाह। हाँ, मंडे को ईद है ना, चांसेस मंडे को है, तो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे ईद है, और थर्सडे को जो है वो चांसेस हैं कि आपके पास क्या हो, क्लास हो, अगर थर्सडे को नहीं होगी वेडनेसडे को हो जाएगी, वेडनेसडे को मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, वेडनेसडे और थर्सडे को कहाँ आना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, वेडनेसडे थर्सडे को हो सकता है हम कोचिंग की तरफ क्लासेस को स्टार्ट करें, सही है, तो वहां पर हम ऑन कर लेंगे, तो होगा वहां आ जाएंगे, अगर हाँ लॉकडाउन सख्त हो गया फिर से, कुछ मसला हो गया तो हम ये करेंगे, फिर वापसी में आ जाएंगे, सही है। और भी बच्चों को क्वेश्चन है तो इसमें पूछ लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करवाना चाह रहे हो, कि मैंने दाऊद वाला सवाल सॉल्व किया, बड़ा अच्छा सवाल था, इसको भी देख लेना आप लोग। मतलब आउटर एरिया माइनस इनर एरिया करके आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कैलकुलेशन पॉसिबल होंगी, और मैंने आप लोगों को एल एन आयोटा के ऊपर बात बताई कि कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन डायग्राम्स के थ्रू प्लॉटिंग होती है, और उसके बाद एल एन जीरो माइनस इन्फिनिटी कैसे बनता है, सही है, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स कैसे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मूव करता है, एसिम्प्टोटिक ग्राफ्स किस कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, जैसे आपके एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, या फिर वॉल्यूम्स बॉयज़ लॉ वगैरह, फिर हाइपरबोला,
इलिप्स, ऑक्सिलरी सर्कल्स क्या होते हैं, सही है, जिसमें और भी बराबर मतलब कंडीशंस पे आ जाते हैं तो ऑक्सिलरी सर्कल्स हो जाते हैं। तो इलिप्स की स्पेशल केस है ऑक्सिलरी सर्किल, याद रखना। उसके बाद मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म। अच्छा, फॉर्म के ऊपर सर्किल्स की ये जब आपका कॉनिक सेक्शन आएगा ना, उसमें मैं डिटेल में और फिर से भी डिस्कस करूंगा इस चीज को। तो कार्टेशियन सिस्टम के अंदर है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ग्राफिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मैंने बताया आपको, ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि एक्स इजिकल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इजिकल्स टू आर साइन थीटा, आपके पास क्या होता है। नेक्स्ट हमने साइन कॉस टेंजेंट कोसेक सीकेंट कॉट, इसके इनवर्स के थोड़े से फंक्शंस के ऊपर बात करी। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बना के डाली थी इसमें सीकेंट 27 वैल्यूज की, वैल्यूज पे मैं बात करूंगा, चैप्टर है आपके पास। सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का टॉपिक था, वो टॉपिक आपका था, वो था पीरियड ऑफ अ फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने उसका पहले आपको लॉन्ग कट बताया जो आपके पास था, फिर मैंने आपको शॉर्टकट बताया। इसका शॉर्टकट क्या है कि आप एक्स को रिप्लेस कर दो बी से और उसको कंपेयर कर दो उसके गिवन पीरियड से। साइन का गिवन पीरियड 2 पाई है, कॉस का 2 पाई है, टेंजेंट का पाई है, तो पी बाय, जैसे आपके पास एक्स बाय 2 था तो मैंने पी बाय 2 इक्वल्स टू 2 पाई कर दिया, और फिर 2 से 2 4 हो गया। इसी तरह से मैंने क्या किया, अगर पीरियड निकालना है एक्स बाय 2 का, तो एक्स बाय एक्स को रिप्लेस कर दिया पी से पी बाय 2 और कंपेयर कर दिया इसके पीरियड से पाई, और आपने पीरियड निकाल लिया। इसी तरह इसमें किया, पीरियड ऑफ अ फंक्शन क्या होता है मैंने अभी बता दिया था आप लोगों को, अपने आपको रिपीट करते हैं इंटरवल ऑफ टाइम पे। टेंजेंट थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, आउटपुट रेंज, सही, और डोमेन कहाँ कहाँ इनडिफाइन हो रही होती है, सही है, 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस 90, और हाँ टेंजेंट 180 पे तो 0 हो जाता है, सही है, 180 पे डिफाइंड है, सही है। तो उसके बाद क्या है, हमारे पास साइन कॉस टेंजेंट थीटा के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज पूछी जा सकती हैं, क्या क्या हो सकती है, और डोमेन क्या हो सकती है, और रियल नंबर्स को बिलोंग करती भी होनी चाहिए, सही है। तो हमारे पास ये लेक्चर आज का था, इसमें हमने जिक्र किया है पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके ग्राफ्स का। फंक्शंस का तो डिटेल में बात नहीं करी, लेकिन उनकी ग्राफ्स की वैल्यूज के ऊपर डिस्कशन किया है, इनकी ग्राफ्स की वैल्यूज पे आ जाता है स्पेशली डिस्कशन। तो ये कि आपको पता होना जरूरी है, और उनके बिहेवियर्स क्या है, पीरियोडिसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है डायरेक्ट शॉर्टकट टेक्निक के थ्रू, क्लियर है। ये आपका एक आर्टिकल कंप्लीट हो गया, इसके एमसीक्यूज मिल जाएंगे। अच्छा, एमसीक्यूज वहां पे जो मिल रहे हैं आप लोगों को, हाँ वो आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे यार, गूगल क्लासरूम पे लगे हुए हैं। मैं वीडियोस लेक्चर नहीं डाल रहा हूँ अभी वहां पे, क्योंकि फिर आप लोग क्लास में ही नहीं आओगे, तो मैं इस वजह से इस वीडियोस लेक्चर को अवॉइड कर रहा हूँ, ये वीडियो लेक्चर नहीं दे रहा अभी। अभी ये कि मैं यहाँ पर हूँ, तो ये कि और कोई डिस्कशन है तो पूछ सकते हो, या भी एक पार्ट टू की वीडियो भी फिर मुझे सेंड कर देना वहां से। हाँ नहीं ना, हाँ कल ही अपलोड किए हुए यार, क्या हो गया, अपलोड हुए हैं सारे, लिंक भी नीचे गिवन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का भी है, सबका आ रहा है। अब तुम लोग सर्च नहीं कर रहे हो तो अलग बात है, अभी आ रहा है, कल का होगा ना यार, मेरे पास आ रहे हैं, नीचे लिंक है, हैगी लिंक, पीडीएफ फाइल अलग है, लिंक अलग है, नीचे दोनों चीजें मौजूद है। तो मैं कह रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन का भी लिंक हैगा, पीछे पीडीएफ है, उसके नीचे व्हाइट कलर में लिंक मौजूद है, उसको सॉल्व करें, वो आपको अपडेट मिल तो रहा है, सही है। और तो वीडियो लेक्चर्स अगर आपको चाहिए होते हैं तो आप लोग फिर मुझे मैसेज करें, तो मैं वीडियो लेक्चर देखूंगा कि हाँ कंडीशन होगी,